नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करेंगे खबरों की शुरुआत और देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। सबसे पहले इसकी शुरुआत आज के अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के हवाले से। आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कश्मीर में कई जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। लद्दाख में भी योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बलों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवा और छात्र छात्राएं शामिल हुई। लोगों को योग को अपनी दिनचर्या बनाने पर जोर दिया गया। विश्व योग के अवसर पर श्रीनगर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम एलजी मनोज सिन्हा शामिल हुए। योग मानवता को भारत की महान देन बताया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बर्फीली चोटियों झीलों से लेकर मैदानों में भी योग ही योग। सेना के जवानों ने सियाचिन में किया योग। पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। कठुआ के स्टेडियम में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुषों ने भाग लिया। कुलगाम में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सरकारी अधिकारियों के अलावा स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। अमेरिका दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। न्यूयॉर्क से पीएम मोदी ने विश्व को परिवार के रूप में जोड़ने का दिया संदेश। 180 देशों के लोग करेंगे योग। बाहरी राज्यों से आए मजदूरों की बस सांबा में नहर में गिर गई। बीती रात हुए हादसे में 19 यात्री घायल हुए। गंभीर रूप से घायलों को जम्मू रेफर कर दिया गया। खोड़ शेराबाद पाटन के निल्लारी क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी निकालने का विरोध। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि पहाड़ों से मिट्टी खोदने से फलों के बागों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। और बहरामगुला सुरनकोट के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल नूरी चिनाब झरने को देखने सैलानी पहुंच रहे हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम के लिए चट्टान पर एक शीशा लगवाया था जिसे पर्यटक भी देख सकते हैं। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में सरकारी स्कूलों का खराब प्रदर्शन। शिक्षा विभाग करेगा कार्रवाई। मुख्य शिक्षा अधिकारी राजौरी का बयान। प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की सूची तैयार की जा रही है। श्वेत क्रांति की ओर बारामुल्ला। सुपुर के वसीम हाजिनी का कमाल। 3 साल पहले की थी डेयरी फार्म की स्थापना। आज 12 बेरोजगारों को रोजगार देने में है सक्षम। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से होगी शुरू। तीर्थयात्रियों के आगमन से बढ़ेगी व्यवसायिक गतिविधियां। कारोबारियों को बेहतर कारोबार की उम्मीद। मेंढर में संघर्ष विराम के बाद किसान कर रहे हैं खेती। कई वर्षों से चल रही गोलाबारी के कारण नहीं कर पा रहे थे काम। संघर्ष विराम के बाद किसानों में खुशी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिरमौर के नाहन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुग्राम में किया योग अभ्यास। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित किया गया था कार्यक्रम। हमीरपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। लोगों के साथ किया योग अभ्यास। दिल्ली दौरे में सीएम सुक्खू ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। हिमाचल की राजनीति और कई दूसरे अहम मुद्दों पर बातचीत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडी में योग किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की स्वस्थ रहने की प्राचीन पद्धति को अपना रहा है। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि भारत की प्राचीनता का डंका बज रहा है। धर्मशाला में आयुष विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कांगड़ा के जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। शिमला टैक्सी यूनियन विवाद पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। हर वर्ग क्षेत्र जाति और धर्म के साथ मजबूती से खड़ी है सरकार। जल्द सुलझा लिया जाएगा मामला। मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान पर शिमला में बढ़ा 2 टैक्सी यूनियनों का विवाद। मंत्री पर शिमला के ड्राइवरों का साथ देने का आरोप लगाते हुए सिरमौर के ड्राइवरों ने किया प्रदर्शन। क्षेत्रवाद फैलाने का भी आरोप।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मनोहर हत्याकांड को लेकर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है जबकि बीजेपी अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन कर रही है। मनोहर हत्याकांड पर जारी हिंदूवादी संगठनों का बवाल, शिमला, मंडी और कुल्लू में मंगलवार को वीएचपी ने किया प्रदर्शन, हत्याकांड की एनआईए जांच की मांग। न्यूज 18 की खबर का असर, बिलासपुर एम्स में महिला सुरक्षा कर्मियों के यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज। न्यूज 18 की खबर पर सीएम ने लिया संज्ञान, महिला थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर। कांगड़ा में 65 लाख के ट्रांजैक्शन केस में छत्तीसगढ़ और पंजाब में भी छापा, 11 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को ऑनलाइन बेटिंग में करोड़ों के अवैध ट्रांजैक्शन का शक। नकली दवा केस में बद्दी से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नकली दवा के लिए रॉ मटेरियल और डुप्लीकेट फाइल सप्लाई करते थे ब्रजेश और वीरेंद्र नाम के आरोपी। एचआरटीसी में महिला बस चालकों की होगी भर्ती, 25 पद महिला ड्राइवरों के लिए होंगे आरक्षित। डिप्टी सीएम ने भर्ती के लिए दिए निर्देश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए। जयराम ठाकुर ने भगवान का रथ भी खींचा और पूजा पाठ कर आशीर्वाद भी लिए। हमीरपुर में भगवान जगन्नाथ की यात्रा धूमधाम से निकाली गई। जिले के सत्यनारायण मंदिर से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे बाजार की परिक्रमा करते हुए शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर दगड़ी नामक स्थान पर खत्म हुई। अमेरिका की राजकीय यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मोदी मोदी के नारे भी लगे। न्यूयॉर्क पैलेस पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का अभिवादन भी किया। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के बाद ट्विटर पर स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क से कहा कि मैं अगले साल भारत का दौरा करने की योजना बना रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मानवीय रूप से संभव होते ही जल्द से जल्द टेस्ला भारत में काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमेरिका से पीएम मोदी का वीडियो संदेश, देश को संबोधित करते हुए पीएम बोले, योग एक विचार था जिसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया। योग ने हमेशा से जोड़ने का काम किया। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत, 180 देशों के लोगों ने किया योग। मध्य प्रदेश में आयोजित योग दिवस के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए उन्होंने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जबलपुर में योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने योग किया। इस दौरान उन्होंने योग करने और स्वस्थ रहने का संदेश दिया। उड़ीसा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बालासोर में योग किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में योग किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नोएडा इंडोर स्टेडियम में योग किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आईएनएस विक्रांत पर योग किया। इस दौरान उनके साथ सेना के जवान भी मौजूद रहे। भारतीय सेना के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पेंगोंग त्सो में योग किया और योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु रामदेव ने हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह में भाग लिया और योग किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योग किया। योग अभ्यास से पहले पीएम मोदी के संदेश को सुना और 1000 लोगों के साथ सूर्य नमस्कार भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हर आंगन योग हर घर निरोग की थीम पर एसएमएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग किया गया। इस दौरान स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने योग किया। योग दिवस पर दिल्ली एम्स ने जारी किया लोगों के लिए संदेश, केवल 5 मिनट के योग से हार्ट रेट में होती है सुधार, भ्रामरी प्राणायाम से कंट्रोल में रहता है ब्लड प्रेशर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने राहुल गांधी को होने वाला पीएम बताने वाला ट्वीट डिलीट कर दिया। विपक्षी एकता की बैठक से पहले हटाया पोस्ट। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से चीन तिल मिलाया हुआ है। भारत से अमेरिका की दोस्ती को सेल्फिश गेम बताया। चीन का कहना है कि हमें टारगेट करना बंद करे अमेरिका।
आतंकियों को बचाने के मुद्दे पर चीन ने फिर पाकिस्तान का साथ दिया है। लश्कर के आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव पर वेटो लगाया। साजिद मीर मुंबई आतंकी हमले का आरोपी है। केंद्रीय बलों की तैनाती के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में फैसले को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और ममता सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव करवाना हिंसा का लाइसेंस नहीं। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एक इमारत की बालकनी गिरने से हादसा हो गया। रथ यात्रा देख रहे 22 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली में बुजुर्ग महिला की हत्या होने से सनसनी फैल गई। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। मृतका के घर के बाहर रेहड़ी लगाने वाले पर हत्या का आरोप लगाया गया है। बागेश्वर धाम से विशेष समुदाय का युवक कट्टे के साथ गिरफ्तार हुआ। मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर आरोपी घूम रहा था। आरोपी शिवपुरी जिले के कोतवाली थाने की इंद्रपुरी कॉलोनी का रहने वाला है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जल भराव देखने को मिल रहा है। दिल्ली के मायापुरी इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा ने गीता प्रेस को लेकर दिए दिग्विजय सिंह के बयान पर साधा निशाना। बोले, विभाजन की करते हैं राजनीति, हिंदू आस्था पर बिना कटाक्ष किए नहीं रह सकते ये लोग। इंदौर में बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट की। बदमाशों ने युवक को पैर छूने को मजबूर किया। वीडियो वायरल होने के बाद बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी की कैबिनेट तुलसी सिलावट ने अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट में घायल को पहुंचाया अस्पताल। इंदौर से सांवेर जाते समय रास्ते में सड़क पर घायल पड़ा था युवक। धर्मपुरी के पास डिवाइडर पर कार चढ़ने से हुआ हादसा। कांग्रेस विधायक बाबू सिंह जंडेल के खिलाफ ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में चालान पेश। शिवपुर पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया चालान। महिला सब इंस्पेक्टर माधवी शाके को धमकाने का है मामला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने धर्मांतरण को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, छत्तीसगढ़ में तेजी से हो रहा धर्मांतरण सनातन के लिए ये खतरा है। आदिपुरुष फिल्म पर विवाद जारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया और इसे बैन करने की बात कही। रायपुर रिम्स हॉस्पिटल में लगी आग। गोढ़ी स्थित रिम्स के चौथे फ्लोर में आग लग गई। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड का अमला मसरूफ रहा। भोपाल में सीएम हाउस में जिला कोर कमेटी की बैठक हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिलों का फीडबैक लेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी फीडबैक लेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा का सीएम हाउस घेराव। मामले में 3 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। थाना प्रभारी पर हमला करने के मामले में मुकदमा। घेराव में डीडी थाना प्रभारी कुमार गौरव हुए थे घायल। और स्थानीय मध्य के अनुमान पर
बीजापुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़, मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के घायल होने का दावा। जवानों ने माओवादी कैंप को किया ध्वस्त, आईईडी की चपेट में आने से डीआरजी जवान घायल। मुरैना में फ्रिज का कंप्रेसर फटने से मकान धराशायी, गृहस्थी का सामान जलकर खाक। 2 दिन पहले ही खरीदा गया था फ्रिज। दिमनी थाना क्षेत्र के नगरा रोड की घटना। कांकेर में नक्सलियों ने की साथी की हत्या, कैसोकोड़ी गांव के पास मिला वर्दीधारी नक्सली का शव। पीएलजीए प्लाटून 17 नंबर का सदस्य था मृतक। अंबिकापुर के परसा गांव में हाथी ने युवक पर हमला कर दिया। हाथी के हमले में युवक की मौत। खेत जाने के दौरान 3 हाथियों ने अचानक हमला किया। मशहूर गायक मोहम्मद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। बिलासपुर में वॉइस इंडिया फेम हुसैन ने ली अंतिम सांस। पुरानी बस्ती स्थित ईदगाह कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्द खाक। सूरजपुर में भूसा गोदाम में भीषण आग लग गई। बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड का कर्मचारी झुलसा। करंट की चपेट में आने से नगर सेना का जवान घायल। जगदलपुर में एक बार फिर डेंगू की दस्तक। 8 मरीजों को कराया गया महारानी अस्पताल में भर्ती। वार्डों में सफाई को लेकर नगर निगम पर उठ रहे हैं सवाल। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। रायगढ़ में मारपीट और अपहरण की कोशिश करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। तीनों आरोपियों ने कार से की थी अपहरण की कोशिश। आरोपियों के पास से हथियार और कार जब्त। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अग्निकांड मामले में एफआईआर दर्ज। हादसे को लेकर 7 व्यापारियों का बयान दर्ज। आगजनी में 3 लोगों की हुई थी मौत। कांकेर में पुलिसकर्मी ने अनाथ लड़की से रचाई शादी। सिंगार भाट के बालिका गृह में लड़की ने पूरे किए 18 साल। बालिग होने के बाद कांस्टेबल ने 7 फेरे लिए। पुलिसकर्मी की पहल की हो रही है तारीफ। कवर्धा में अवैध शराब के साथ युवक गिरफ्तार। आरोपी के पास से 44,000 रुपए की कीमत देसी शराब के साथ बाइक जब्त। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। कवर्धा जिला भाजपा के 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। मंत्री मोहम्मद अकबर ने दिलाई सदस्यता। ग्राम कांपा व खैरबना के कार्यकर्ताओं ने दिया झटका। पेंड्रा में हाथी के हमले में ग्रामीण घायल। घायल का मारवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा इलाज। करीब 1 महीने से मारवाही इलाके में घूम रहा था 5 हाथियों का दल। जशपुर में गांजा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कार से तस्करी करते 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उड़ीसा में यूपी से ले जाया जा रहा था 40 किलो गांजा जब्त किया गया। पेंड्रा के मारवाही में सड़क किनारे भालू दिखने के बाद हड़कंप मचा। राहगीरों ने बनाया वीडियो। भोजन पानी की तलाश में गांव पहुंच रहे हैं जंगली जानवर। धमतरी के कुम्हाड़ा गांव में दतैल हाथियों की धमक। 3 हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग ने की मुनादी, लोगों से सावधान रहने की अपील। आज योग दिवस से जबलपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। उपराष्ट्रपति सीएम सहित दिग्गज हस्तियों ने योग किया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबोधन। बोले, योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से योग को मिली वैश्विक पहचान। योग दिवस पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीएम मोदी के नेतृत्व में आज पूरा विश्व योगमय। वसुधैव कुटुंबकम प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, ये भारत का मूल मंत्र। योग दिवस पर सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, सभी स्कूलों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। आज 180 देशों में किया जा रहा है योग। यम नियम आसन और प्राणायाम का करना होगा पालन। छत्तीसगढ़ में भी योग का कार्यक्रम। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 21,000 लोगों ने एक साथ किया योग। भोपाल में नरोत्तम मिश्रा ने जेल के अधिकारियों, कर्मचारियों और कैदियों के साथ किया योग। कहा, भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में एक बड़ा कदम। मन की शांति के लिए योग आवश्यक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भोपाल में वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों ने किया योग। योग गुरु कृष्णकांत मिश्रा के साथ यात्रियों ने लगाए आसन। यात्रियों को दी गई योग के महत्व की जानकारी।
भोपाल के बड़े तालाब में क्रूज पर किया गया योग। एमपीटी के अधिकारियों ने शहरवासियों संग किया योग अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजन किया गया। योग दिवस पर रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित गुजराती स्कूल के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने किया योग अभ्यास। विश्व योग दिवस पर योगमय हुआ छत्तीसगढ़। नूतन स्कूल टिकरापारा में सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भिलाई महाविद्यालय में दुर्ग के भिलाई महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने किया योग। जीवन में योग अपनाने की लोगों से अपील की। योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल, संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश मंत्री किशोर महानंद सहित कई नेता हुए शामिल। बालाजी विद्या मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर चला रही महाजन संपर्क अभियान। बिहार के अमरपुर प्रखंड के महौता गांव में लाभार्थी सम्मेलन किया गया। 10 जुलाई से 14 जुलाई तक चल सकता है बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र। अभी कैबिनेट से नहीं मिली है स्वीकृति। सीतामढ़ी समाहरणालय में जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने की बैठक। सांसद ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। शिवहर के तरियानी में जेडीयू प्रखंड कार्यकारिणी की बैठक। जदयू जिला प्रभारी राणा रणधीर सिंह चौहान ने बैठक की। आज बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली थी, उसे रद्द कर दिया गया। जरूरी कारणों से बैठक को कैंसिल किया गया। मुजफ्फरपुर के शाह पोखर में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। श्यामल दास ने कल खुद ही लगाई थी पोखर में छलांग। बांका की मखदुमा तांती टोला में आग लगने से अफरा तफरी। छत पर रखे पुआल की ढेर में आग लगने से किसान को नुकसान। बांका के कटोरिया देवघर रोड पर बेहंगा पुल के पास गिरा ठनका। एक महिला और 10 से ज्यादा बकरियां झुलसी। पटना की पालीगंज में रिश्तेदारों ने शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद मारपीट कर भगाया। शेखपुरा समाहरणालय गेट के सामने बाबा रेस्ट हाउस में पुलिस ने की छापेमारी। जिस्म फरोशी के धंधे में 3 लड़का और 3 लड़की पकड़े गए। किशनगंज के पौखाली में खेत से मिली प्राचीन मूर्तियां। खेत की जुताई के दौरान भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मिली मूर्तियां। गोपालगंज में बैंक कर्मी हत्याकांड का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 शार्प शूटर को किया गिरफ्तार। गोपालगंज के सिविल कोर्ट में नजारत ऑफिस से लाखों की चोरी। खिड़की तोड़कर एसी, इन्वर्टर, पंखा समेत कई कागजात ले भागे चोर। अररिया के धनहा गांव में जमीन विवाद में फायरिंग, गोलीबारी में एक युवक को लगा गोली का छर्रा। शेखपुरा के बाजितपुर गांव में देशी शराब के अड्डों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया। पटना के नेवरा में जमीन माफिया से लोग परेशान। पांडेपुर गांव में लोगों की जमीन हड़प रहे भू माफिया। औरंगाबाद के रफीगंज में 35 लीटर देसी शराब को जब्त किया गया। नीमा चतुर्भुज नहर के पास पुलिस ने कार्रवाई की। बेगूसराय के तेघड़ा बाजार में लगी भीषण आग। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। नालंदा के रहुई में भीषण सड़क हादसा। बीटा सरमेरा रोड पर एक बाइक सवार की मौत। दरभंगा में सिमरी के पास दरभंगा मुजफ्फरपुर एनएच 57 पर 10 कार्टन शराब बरामद की गई। पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को किया गिरफ्तार। सिमडेगा के फरसाबेड़ा गांव में चौकीदार की बेटी ने आत्महत्या कर ली और फंदे से झूल कर दी जान। गुंडा में 2 मनरेगा वेंडरों के बीच खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चाकू, पिस्टल और तलवार से हमला कर दिया। फिलहाल इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए कश्मीर की तमाम खबरें मेरे साथ। नमस्कार।